हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संचना और मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल अव्यूद अकेडमी में। आज मैं लेकर आई हूं होम बेस्ड पार्ट टाइम जॉब और आज हम 5 जॉब के बारे में बात भी करेंगे। तो जैसे कि सभी जानते हैं कि COVID-19 जो कि एक वैश्विक महामारी बनता जा रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर बताएंगे कि आप कहाँ कहाँ से होम बेस्ड पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं घर पर रह करके और अच्छी इनकम कर सकते हैं अपनी इन पार्ट टाइम जॉब्स में। तो चलिए आप पहली जॉब के बारे में बात करते हैं जो कि बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव डाटा एंट्री और कंप्यूटर ऑपरेटर की है। तो कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो अस्क्लेन वेब टेक्नोलॉजीज़ है और अगर मैं कंपनी प्रोफाइल की बात करूँ यहाँ तो अस्क्लेन वेब टेक्नोलॉजीज़ इज़ द पायोनियर ऑफ ऑर्गेनाइज रिक्रूटमेंट इन इंडिया। कंपनी रूट्स इन मैनेजमेंट कंसल्टिंग इनेबल अस टू ब्रिंग यूनिक अप्रोच टू रिक्रूटमेंट सर्विसेज। और अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो यहाँ पे फ्रेशर्स टू 2 ईयर्स है, तो जो फ्रेशर्स हैं वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। और सैलरी पैकेज की बात करूं तो 1,25,000 है मिनिमम और मैक्सिमम है 4,000 पर ईयर। तो मैं अब लोकेशन की बात करती हूँ, तो वैसे तो ये पार्ट टाइम जॉब आप किसी भी लोकेशन से कर सकते हैं लेकिन कंपनी प्रेफर करती है ज़्यादातर इन लोकेशंस को जैसे कि पुणे, दिल्ली NCR, मुंबई, जो यहाँ पर बताई गई होती हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें हम तो कंपनी रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन कंप्यूटर एंड मैनुअल बेस्ड प्रोजेक्ट्स जिसमें आपको डाटा एंट्री मिलता है। तो डाटा एंट्री की जॉब की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि डाटा एंट्री की जो जॉब है वो उन लोगों के लिए है जो घर बैठे काम करना चाहते हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हो या फिर स्टूडेंट हो। लेकिन इससे जो है बहुत सारे लोग अपनी इनकम भी कर सकते हैं क्योंकि उनका इनकम का कोई सोर्स नहीं होता। इसमें चाहिए बस आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए और आपको बेसिक इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ बताया है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, टेलीकॉलिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन टाइपिंग जॉब है और साथ ही कॉपी पेस्ट जॉब है जो आप एक्सेल पे कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कैंडिडेट प्रोफाइल की बात करना चाहूँगी अब मैं आगे। तो बेसिकली यहाँ पे रिक्वायरमेंट है इंटरनेट नॉलेज की और आपके पास लैपटॉप, अगर स्मार्टफोन है तो आप इन जॉब्स को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप 18 प्लस हो या आप 18 के हो चुके हो तो ही आप इस जॉब को अप्लाई कर पाओगे। तो अब मैं बात करने जा रही हूँ जॉब इन्फॉर्मेशन की। तो जॉब जो इन्फो है वो है जॉब रोल है टेलीकॉलिंग टेलीमार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का। जॉब इंडस्ट्रियल टाइप है वो है BPO कॉल सेंटर ITES की। फंक्शनल एरिया है ITES, BPO, KPO, LPO और कस्टमर सर्विसेज है ऑपरेशंस। और साथ ही और ये फ्रीलांस और होम बेस्ड जॉब है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और रोल कैटेगरी है वॉइस। तो दोस्तों अगर एजुकेशन की बात करें तो हम 10th और 12th पास वाले भी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो भी गुड है, आपको नॉलेज होती है ऑलरेडी कंप्यूटर की तो जो आपके लिए और भी बेस्ट रहेगा इन जॉब के लिए। की स्किल्स की बात करूँ तो मैं आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों अब हम दूसरी जॉब की बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो जॉब है ये भी आपकी जो है वर्क फ्रॉम होम की ही है। इसमें आपको फॉर्म फिलिंग और नॉन वॉइस कॉल्स लेनी है तो इसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या काम करना चाहिए। तो अगर हम कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो है मिनिमम 1 ईयर्स और मैक्सिमम 5 ईयर्स। सैलरी पैकेज की बात करें तो 2,25,000 है मिनिमम और मैक्सिमम है 3,25,000 पर ईयर। लेकिन लोकेशन रहेगी जो मतलब कि स्टूडेंट को प्रेफर करती है कंपनी, वो लोकेशन रहेगी आपकी मुंबई और पुणे। तो दोस्तों चलिए अब आगे जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर तो दोस्तों वर्क फ्रॉम होम डाटा एंट्री की जो जॉब है इसमें 4 तरह की जॉब निकाली गई हैं, जो है टाइपिंग की और कॉपी पेस्ट की और फॉर्म फिलिंग की। तो मैं आज अभी कॉपी पेस्ट जॉब की बात करना चाहूँगी। वैसे तो कॉपी और पेस्ट जॉब एक प्रकार की डाटा एंट्री की जॉब होती है लेकिन इसमें बस वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को कॉपी करना और पेस्ट करना होता है। आपको जो भी डाटा मिलता है आपको सारी उसके आपके पास उसकी सारी जानकारी होती है, बस आपको उसको कॉपी करके एक वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना होता है। यही कॉपी पेस्ट जॉब होती है जो कि एक तरह की डाटा एंट्री की जॉब है। तो दोस्तों चलिए अब मैं जैसे कि जॉब डिस्क्रिप्शन की बात कर रही थी, आई होप आप जान गए होंगे कि कॉपी पेस्ट क्या होती है।
तो यहाँ पर आपके पास ऑफलाइन टाइपिंग वर्क है, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है, हैंड राइटिंग जॉब है, कॉपी पेस्ट जॉब है और पोस्ट कार्ड राइटिंग जॉब भी यहाँ पे है अवेलेबल। अगर आप चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंपनी को सीरियस कैंडिडेट चाहिए और जिनके पास कंप्यूटर हो और मैनुअल बेस्ड प्रोजेक्ट पे वो वर्क कर सके, जिनको कंप्यूटर की नॉलेज हो। और साथ ही एज की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 18 और मैक्सिमम 45 दी हुई है। पेमेंट मोड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको वीकली और मंथली पेमेंट मोड मिलेगी, यानी कि पेमेंट जो है आपको वीकली और मंथली मिल जाएगी। इस जॉब में टाइम बाउंड नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, आप खुद के बॉस हो तो आराम से आप इन जॉब्स को कर सकते हो। तो अब मैं जॉब इन्फो की बात करना चाहूँगी, तो जो जॉब रोल है वो फ्रेशर्स का है। जो इंडस्ट्रियल टाइप है वो है BPO, कॉल सेंटर, ITES। फंक्शनल एरिया रहेगा आपका ITES, BPO, KPO, LPO और कस्टमर सर्विसेज और साथ ही ऑपरेशंस। एम्प्लॉय टाइप है आपका फुल टाइम और परमानेंट। एजुकेशन की बात करते हैं तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो अच्छा है, और आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई बेसिकली एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने 10th पास या 12th पास कर रखी है तो भी आप इस जॉब को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। की स्किल्स में आप यहाँ पे जो है शिफ्ट चुन सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। डाटा एंट्री की जॉब है, यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए। तो दोस्तों चलिए अब हम तीसरी जॉब के बारे में बात करने जा रहे हैं। आगे प्रोफाइल रहेगा आपका वो बैकएंड का रहेगा, जिसमें पार्ट टाइम और डाटा एंट्री जॉब रहेगी। और जो कंपनी प्रोफाइल है अब हम उसकी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वर्क बॉक्स BPO है ये, और एक्सपीरियंस जो है वो चाहिए फ्रेशर्स टू 5 years, यानी कि जो फ्रेशर्स हैं वो भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही सैलरी जो मिलेगी आपको है 1,50,000 टू 3,75,000 पर ईयर। जो लोकेशन रहेगी वो रहेगी आपकी दिल्ली NCR, बेंगलुरु और हैदराबाद। वैसे बेसिकली सारी जगह से आराम से आप किसी भी स्टेट से हो आप अप्लाई कर सकते हो इस जॉब के लिए, लेकिन होता क्या है कि कंपनी जो प्रेफर कर देती है कि अपनी लोकेलिटी के लोगों को वो चुनती है पहले, ताकि वो जो समझाना चाहती है वो आराम से समझा सके और अगर बुलाना चाहे तो बुला सके। बस यही रोल होता है। अदरवाइज अगर आपका काम अच्छा है तो आप आराम से इन जॉब्स को अप्लाई कर सकते हो और आपको कंपनी उतने ही रिस्पेक्ट देगी जितनी औरों को देती है। तो यहाँ पे अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो ये जो जॉब है इसमें आप ऑनलाइन टाइपिंग कर सकते हो और ऑफलाइन टाइपिंग जॉब है, डाटा एंट्री वर्क है, लेकिन इसको आप कर सकते हो आराम से फ्री टाइम में, जिसमें आप 2 से 4 घंटे भी कर सकते हो और 4 से 6 घंटे भी कर सकते हो। जैसे कि बेसिकली यहाँ पर भी यही बताया गया है कि आपकी जो एज है वो 18 ईयर से अबव होनी चाहिए। तो अब कैंडिडेट प्रोफाइल की बात करते हैं हम आगे। तो यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी है। साथ ही जो पेमेंट है आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे मिलेगी, वीकली बेसिस पे मिलेगी और मंथली बेसिस पे भी मिलेगी। वो डिपेंड करता है कि आप किन बेसिस पे लेना चाहते हो। तो इंटरव्यू टाइमिंग आपका यहाँ पे दिया गया है 11 से 4 बजे तक, और कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो 9 सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक यहाँ पर। तो जॉब इन्फो की बात करें तो जो जॉब रोल है वो फ्रेशर्स है। इंडस्ट्रियल टाइप रहेगा आपका IT सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर सर्विसेज। फंक्शनल एरिया रहेगा आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, फ्रंट ऑफिस एंड डाटा एंट्री। एम्प्लॉय टाइप रहेगा पार्ट टाइम, फ्रीलांसिंग एंड होम बेस्ड। एजुकेशन के लिए बात करें तो जो भी ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, 10th पास है, 12th पास है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और की स्किल्स की बात करते हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटर, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइपिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। कंप्यूटर पे आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं आप, तो डाटा एंट्री करनी आनी चाहिए आपको। तो चलिए अब चौथी जॉब की तरफ बढ़ते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों तीन जॉब के बारे में तो आप जान ही गए हैं, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चौथी जॉब की बात करते हैं। तो चौथी जॉब में भी जो ये जॉब है ये बेसिकली स्टूडेंट, हाउसवाइफ्स और रिटायर्ड पर्सन के लिए है। तो कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो वर्क सॉल्यूशंस है, जो कि डाटा एंट्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। तो दोस्तों इस जॉब के आगे बात करें तो एक्सपीरियंस की तो फ्रेशर्स के लिए है ये जॉब, और सैलरी पैकेज जो मिलेगा वो 2 लाख और मिनिमम है, और मैक्सिमम 5,50,000 पर ईयर। लेकिन जो कंपनी प्रेफर करेगी जिन लोकेशंस को वो है पुणे, दिल्ली NCR, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु और कोलकाता। लेकिन आप घबराएं मत, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जगह से अगर आप ये काम करना चाहते हैं और इसको अच्छे से कर पाते हैं तो। और जॉब डिस्क्रिप्शन पे आते हैं तो
यहाँ पे रिक्वायरमेंट है सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन की, मतलब आपके पास अगर सेल फोन है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कोई टारगेट नहीं है, आपके पास प्रेशर नहीं है, आप महीने में कमा सकते हो 20 से 50 हज़ार हर महीने। तो कोई लिमिट नहीं है इसमें कि आपकी अर्निंग कितनी अच्छी हो सकती है। अब जॉब इन्फो में आते हैं, तो इंडस्ट्रियल टाइप जॉब आपका रहेगा वह है फ्रेशर्स ट्रेन एंट्री लेवल। वही एम्प्लॉय टाइप आपका रहेगा पार्ट टाइम फ्रीलांस एंड होम बेस्ड। वही आगे हम एजुकेशन की बात करें, तो वैसे तो यहाँ पे एजुकेशन में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, लेकिन अगर आपने कर रखा है तो अच्छा है, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने नहीं कर रखा तो भी आप अप्लाई करने में सक्षम हैं, लेकिन ये बेसिकली अगर आपने 10th और 12th पास की हुई है तो भी आप नहीं घबराएं, आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए की स्किल्स की बात करते हैं, तो आपको बस कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको टाइपिंग आनी चाहिए, और जो डाटा एंट्री आप ऑपरेटर बनना चाहते हैं आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी फ्रीलांसिंग जॉब है, क्योंकि आपको ये फ्रीलांस आपको प्रोवाइड कर रही है घर पे बैठ करके काम करने के लिए, उत्साहित कर रही है। तो जो हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है, जो कि अपनी पहचान बनाना चाहती हैं और अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल करके, उनको जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो बेसिकली उनकी हस्बैंड्स की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती हैं। जो रिटायर्ड पर्सन है जिनको इनकम की कुछ प्रॉब्लम आ रही है वो भी इसको करके अपनी इनकम हाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम उस, तो पांचवी जॉब की अब मैं बात करने जा रही हूँ, जो कि कंपनी है वो है ज़रबैक सॉल्यूशंस। जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो है फ्रेशर्स टू 5 ईयर्स। और सैलरी की बात करें तो हम यहाँ पे तो 1 लाख मिनिमम है और मैक्सिमम 4 लाख है, जो कि कोई भी कहीं से भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन प्रेफर कर रहे हैं वो दिल्ली बेंगलोर और हैदराबाद। हो सकता है कि ये कंपनी यहाँ पे बेस्ड हो, मतलब वहाँ पे उनका जो है कंपनी का अपना ही ऑफिस हो। तो चलिए अब जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अर्जेंट हायरिंग है, जो घर बैठे काम करना चाहते हैं, चाहे वो फॉर्म फिलिंग हो, चाहे वो ऑनलाइन टाइपिंग हो, चाहे वो ऑफलाइन टाइपिंग हो, और ये सिर्फ आप 2 से 4 घंटे या 4 से 6 घंटे कर सकते हैं, जो आप मतलब जैसा आपको सही लगे करने में, जो टाइम आप चुनेंगे उतने ही टाइम पे आप वर्क कर सकते हैं आराम से, आप फ्री हैं यहाँ पे काम करने के लिए। एज आपकी 18 ईयर से अबव होनी चाहिए इसको करने के लिए। तो अब मैं कैंडिडेट प्रोफाइल की बात करने जा रही हूँ आगे दोस्तों। तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर की, और आपके पास जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन जॉब्स के लिए आपके पास सिस्टम होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए और फ़ोन होना चाहिए। तो पेमेंट यहाँ पर भी वो डेली वीकली और मंथली बेसिस पे कर रहे हैं, तो जिसमें आप कंफर्टेबल है लेने में आप वैसे ले सकते हैं, और कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9 से 5 बजे तक। तो अब हम जॉब इन्फो पे आ रहे हैं आगे धीरे धीरे। तो चलिए दोस्तों अब जॉब इन्फो की बात करते हैं। तो जो जॉब रोल रहेगा वो फ्रेशर्स के लिए है, और जो इंडस्ट्रियल टाइप है वो है BPO, कॉल सेंटर एंड ITES, और जो फंक्शनल एरिया रहेगा वो है ITES, BPO, KPO, LPO, और जो कस्टमर सर्विसेज हैं वो है ऑपरेशंस, और जो एम्प्लॉय टाइप है वो है पार्ट टाइम फ्रीलांस होम बेस्ड। और जो तो फॉर्म फिलिंग की बात करें हम, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप फॉर्म फिलिंग की जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म और एक डेटा दिया जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा का होगा, और आपको ऑनलाइन फॉर्म में डेटाबेस से हर फील्ड में बहुत सावधानी से आपको उसकी अलग अलग शीट्स बनानी होंगी, और आपको एक तरह की अटेंशन देनी होगी इस डाटा एंट्री के काम को। सो दोस्तों आई होप अब आप डाटा एंट्री की जॉब के बारे में तो जान ही गए हैं, अन जॉब्स के बारे में जान ही गए हैं। तो एजुकेशन की बात करें तो हम यहाँ पे कि कोई ग्रेजुएशन या जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, जो 10th 12th कर रखे हैं, वो सब लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट है की स्किल्स की, जैसे कि आपको कंप्यूटर की स्किल्स की हम आगे बात ही करने वाले हैं। तो चलिए की स्किल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए आपको, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपको टाइपिंग आनी चाहिए, और आपको थोड़ा बहुत बैक ऑफिस का काम पता होना चाहिए। तो दोस्तों अब आप इन पांचों जॉब्स के बारे में तो जान ही गए हैं, तो अब आता है कि आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन पांचों जॉब्स का लिंक दे रखा है, आप क्लिक करके नौकरी.com पे जा करके इन पांचों जॉब को अप्लाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ये बताइएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है Naukri.com में अप्लाई करने में तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी जॉब्स की न्यू अपडेट्स मिलती रहें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, होम बेस्ड जॉब आप तक पहुँचती रहें।